सर जय हिंद। मेरा नाम है मनदीप और आप सब देख रहे हैं इंडियन टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस कीबोर्ड और माउस के बारे में। देखिए, एक्चुअली ये बिल्कुल मतलब छोटी अमाउंट की चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि बहुत सी कंपनी के बहुत सारे कीबोर्ड माउस आते हैं, का प्राइस बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा वाला कीबोर्ड माउस लेना चाहिए और इनमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 5-7 प्रकार के अलग अलग कीबोर्ड माउस लेकर आया हूँ। इन सभी के अंदर एक अलग अलग फीचर है जिसके अनुसार मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है, तो उस फीचर के अनुसार मैं बताऊँगा और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना कीबोर्ड या माउस सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए एक परफेक्ट कीबोर्ड माउस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके देने वाला हूँ। तो देखिए, जो पहला हमारा कीबोर्ड माउस है उसमें पहला हमने कीबोर्ड्स लिए हैं, ओनली कीबोर्ड्स, इसके अंदर आपको माउस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है वो है लेफ्टकेयर का सोलो प्लस LKB701 कीबोर्ड माउस। इसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये ओनली कीबोर्ड है, ठीक है, विद ऑटो स्लीव आता है ये। इसको मैंने सेलेक्ट करने का रीज़न सिर्फ एक था, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत थोड़ा प्यारा लगा, क्योंकि इसमें कर्व आता है साइड से। ठीक है, मतलब चौकोर नहीं आ रहा है, कर्व आ रहा है एंडिंग। ठीक है, फिनिशिंग जो है वो कर्व है। बाकी ये 899 रुपये का, यानी 900 रुपये का एक कीबोर्ड है। ठीक है, इसमें अलग अलग आते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं इसका। ठीक है, सबका थोड़ा प्राइस रेंज भी अलग होगा। ये देखिए, ये अलग है, तो आप अपने अनुसार इसमें से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लैपकेयर में से लेना है। ठीक है, अच्छी कंपनी है लैपकेयर, आराम से, ठीक है, परफेक्ट है और वायरलेस है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है लॉजीटेक का, क्योंकि लॉजीटेक के सबसे ज़्यादा कीबोर्ड माउस चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक लॉजीटेक का कीबोर्ड भी लिया है। ओनली कीबोर्ड है ये भी, ठीक है, लॉजीटेक का K230 वायरलेस कीबोर्ड है ये। इसका प्राइस है वो है 750 रुपये, और जो इसका फीचर है वो यही है कि एक तो इसकी साइजिंग आप देखिए, इसकी फिनिशिंग कितनी वो कर रखी है इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल, तो ये है, बाकी आपके लिए परफेक्टनेस है। बाकी इसके अंदर इसकी थोड़ी साइज़ कम होने की वजह से हमारा हाथ थोड़ा कम बैठने के चांसेस रहते हैं। अगर आप फिर भी अपने एक लैपटॉप के लिए लेना चाहते हैं और बैग में केयर करके रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बाकी यही दिक्कत आने वाली है कि इसके देखिए फिनिशिंग अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है एक हिसाब से, लेकिन इसके बटन्स हैं वो मतलब कहीं रखा है तो हाथ से पुश होने के चांसेस हैं, या फिर उल्टा सीधा हो गया तो मतलब पुशिंग के चांसेस ज़्यादा हैं बस। बाकी इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है, अगर साइजिंग की बात करें तो साइज़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है। अगर लॉजीटेक का देखें तो 749 रुपये में हमें एक कीबोर्ड मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फोल्डेबल कीबोर्ड, ठीक है, ये है जाप का ट्रिपल फोल्ड प्रो ब्लूटूथ कीबोर्ड। ठीक है, तो आप इसकी सबसे खासियत है वो आप देख सकते हैं, ये ट्रिपल फोल्डिंग में आता है और देखिए फोल्ड होकर कितना सा हो जाता है ये। ठीक है, तो इसकी खासियत यही है कि ये फोल्डिंग के साथ में आता है, आप देख सकते हैं इसकी फोल्डिंग, ठीक है, और फोल्ड करके आप अपनी जेब में रख सकते हैं, इतना छोटा ये हो जाता है, यानी आईफोन से थोड़ा बड़ा आप देख सकते हैं। तो बस यही खासियत है, अगर आप इसे कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस बात करें तो 5000 रुपये इसकी प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है हमारा कीबोर्ड प्लस माउस। अगर आप अपना एक स्मार्ट टीवी के लिए कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं, कीबोर्ड प्लस माउस, ठीक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको देखिए टच पैड मिल जाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, टच पैड आपको यहाँ पर मिल रहा है और साथ में आपको कीबोर्ड मिल रहा है। इसे आप अपने आईपैड, एक्सबॉक्स और अपने उसके लिए खरीद सकते हैं, स्मार्ट टीवी के लिए, ठीक है, तो इन्हीं के लिए ठीक है। बाकी अगर आपने लैपटॉप के लिए या फिर कंप्यूटर के यूज़ के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं, 485 रुपये ओनली का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ये अपना देखिए यूलो मार्क का है, मैंने आपको बताना भूल गया, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है वो है लॉजीटेक का K400 प्लस वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर भी वही है, अगर आप अपने लैपटॉप के साथ में, अगर आप अपने स्मार्ट टीवी के लिए कोई माउस कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं, तो मैंने लॉजीटेक का मैंने हर कैटेगरी में डाला है, क्योंकि लॉजीटेक एक बहुत अच्छी सर्टिफाइड कंपनी आती है कीबोर्ड माउस के मामले में। तो इसकी खासियत यही है, इसमें टच पैड मिल रहा है, साथ में टच पैड के साथ में आपको वॉइस कंट्रोल मिल रहा है, साउंड कंट्रोल मिल रहा है, यानी आप इसे म्यूट कर सकते हैं साथ में अपने टीवी वगैरह को और कीबोर्ड वगैरह को। साथ में देखिए आपको दो बटन मिल रहे हैं, लेफ्ट राइट, और टच पैड मिल रहा है, साथ में नॉर्मल अपना कीबोर्ड मिल रहा है, जिसमें आपको देखिए एक एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है जिससे आप अपना क्लिकिंग करके प्ले कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, और बाकी हमारा नॉर्मल कीबोर्ड है ये। ठीक,
ठीक है, तो कीबोर्ड प्लस माउस दोनों है ये। अब है हमारे पास में कीबोर्ड प्लस माउस अलग अलग, ठीक है दोनों। तो देखिए डेल का है पहला हमारा KM 117 वायरलेस कीबोर्ड माउस, इसकी प्राइस रेंज है 1278 रुपये। और इसकी भी खासियत यही है, एक अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये कीबोर्ड आपको मिल रहा है। देखिए नीचे से कर्व है, ऊपर से नॉर्मल है, और आपको बैटरी लाइफ के साथ में ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है ये कीबोर्ड, आप ले सकते हैं अच्छी, अगर आपको एक टेबल के ऊपर रखे रहे यूज में लेना है, ठीक है। 1278 रुपये का इसकी प्राइस रेंज है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिटेक का MK212 वायरलेस कॉम्बो रेडियो ट्रांसफ़र PC मैक कीबोर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसकी बात करें तो हमारा जो एक मैंने अभी आपको पीछे एक कीबोर्ड बताया था लॉजिटेक का, देखिए है ना, तो ये कीबोर्ड और इस कीबोर्ड का सेम वो है, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको माउस साथ में मिल रहा है, बाकी सेम है ये, ठीक है। तो अगर आप कीबोर्ड के साथ में माउस भी बाय करना चाहते हैं तो ये वाला ख़रीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HP का 3ML04AA वायरलेस कीबोर्ड माउस, इसकी प्राइस रेंज 2499 है। अब आप सोच रहे होंगे इतना महंगा क्यों है, तो इसकी पीछे का रीज़न ये है कि ये है HP ब्रांडिंग के साथ में, और साथ में इसमें कीबोर्ड माउस है, और फिनिशिंग इसकी बहुत वो है, साथ में आपको मिल रहा है इसमें देखिए साउंड कंट्रोल और बहुत सारे बटन्स अलग एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ा प्राइस रेंज है, ठीक है, और एक परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में कीबोर्ड और माउस इसमें मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसका थोड़ा प्राइस अच्छा है। अगर आप पे एक हैवी प्राइस में जा सकते हैं तो आप HP के इस मॉडल के सिर्फ ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैब केयर का स्मार्टो वायरलेस मिनी ब्रांड कीबोर्ड, ठीक है, 1200 DPI माउस कॉम्बो है ये ऑटो स्लिप के साथ में। अब इसका सेलेक्ट करने का रीज़न मेरा ये था, सबसे पहला इसका स्लिमनेस, आप देखिए थिकनेस, ठीक है। दूसरा इसका कलरिंग बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, ठीक है। इसमें 3 कलरिंग आती हैं, पहला है ब्लैक प्लस वाइट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन, गोल्डन बड़ा प्यारा है, लेकिन गोल्डन का जो अभी वो है स्टॉक यहाँ पर अमेजन पर दिखा रहा नहीं है, लेकिन जब आप बाय करें शायद मिले आपको, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसकी तरफ। बाकी बड़ा प्यारा कीबोर्ड्स माउस हैं, और ये 1500 से 1700 रुपये के बीच में आपको दोनों तीनों कलर्स में अलग अलग मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। 8 से 10 सेमी का डिस्टेंस में अच्छा ऑपरेटिंग है, ऑटो स्लिप फंक्शन है, 2.4 GHz वायरलेस कीबोर्ड है ये, और 1200 DPI ऑप्टिकल ट्रैकिंग के साथ में वर्क कर रहा है, तो बड़ा प्यारा है आपके यूजेबल के हिसाब से, तो आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं। और लैब केयर आपको 3 ईयर की वारंटी दे रही है इसमें, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1549 रुपये में। आप देखिए ये आपको सिल्वर वाला मिल रहा है, तो आपको जो भी प्यारा लगे कलर वो आप बाय कर सकते हैं। अब इनमें से आप अपनी चॉइस लीजिए, कौन सा वाला आपको किस फीचर्स के साथ में चाहिए, आपको ओनली कीबोर्ड चाहिए, आपको ओनली आपके दोनों चाहिए मल्टीपल आपके स्मार्ट टीवी के लिए, या फिर आपको कीबोर्ड माउस अलग अलग चाहिए, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने माउस यहाँ पर नहीं लिए, क्योंकि माउस लेना एक नॉर्मल है वायरलेस, मैं उनके लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अकेला माउस बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। We'll be right back.